भारत माता की। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मतगणना, इन चार में से तीन में जहां भगवा लहराया तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली है। ऐसे में तेलंगाना में कांग्रेस की जीत किसी जादू से कम नहीं है। केसीआर की पिछले 10 साल से चली आ रही सरकार को हटाना और प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार राज्य की सत्ता में आना पार्टी के लिए एक समय दूर की कौड़ी थी। लेकिन उत्तर भारत में भले ही पार्टी कोई करिश्मा ना कर पा रही हो, लेकिन दक्षिण का दूसरा द्वार खोल लिया है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का सबसे ज्यादा श्रेय रेवंत रेड्डी को मिला है। सीएम पद की रेस में सबसे आगे रेवंत रेड्डी का नाम है। रेवंत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। सबसे खास बात यह कि रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के उन तीन लोकसभा सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने 2019 में जीत हासिल की थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे कांग्रेस ने जीत हासिल की और केसीआर को नुकसान कैसे पहुंचाया। दरअसल केसीआर को सबसे ज्यादा नुकसान भ्रष्टाचार के आरोप के कारण हुआ। इसके साथ ही उन पर परिवारवाद की राजनीति का भी आरोप लगा जिससे वो पूरे चुनाव में पार नहीं पा सके। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सब ने एक सुर में केसीआर पर जमकर हमला बोला। जमीन घोटाले जैसे मामलों को जमकर उठाया। केसीआर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी भारी पड़ा। उधर केसीआर को कमजोर होता देखकर कांग्रेस ने पूरा दम लगा दिया। 6 गारंटी से लेकर जातीय जनगणना जैसे मुद्दे जनता को पसंद आए हैं और इसका फायदा पार्टी को मिला। कांग्रेस ने किसानों से लेकर महिलाओं समेत कईयों के लिए बड़े ऐलान किए। साथ ही कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग से एक घोषणा जारी की थी। माना जा रहा है कि इससे मुस्लिम वोट भी कांग्रेस की ओर आए हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका ओवैसी को लगता दिख रहा है। ओवैसी के मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस ने जबरदस्त सेंध लगाई और बड़ी मुस्लिम आबादी का वोट कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। राजनीति से जुड़ी ऐसी हर खबर के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।